दोस्तों मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। ये परिवार है मेरा भाई। नमस्ते जी। तो मैं एक आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। किसी भी फिल्म या किसी भी सीरियल या कोई भी एड फिल्म, कोई भी गाना, मतलब कोई भी चलचित्र हो, तो उसमें सबसे मजबूत पक्ष अगर किसी का होता है वो होता है एडिटिंग का, एडिटिंग। तो और आज मेरे साथ जो महानुभाव बैठे हैं, इनका नाम है संतोष सिंह जी। ये एक एज एडिटर बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में नाम रखते हैं। इनके मतलब इनके नाम के आगे कितने सीरियल्स होंगे इन्हें को खुद नहीं याद होगा। तो आज इनसे बातें करते हैं, आज एडिटिंग के बारे में जानते हैं, पूछते हैं कि इनका इनका क्या कहना है एडिटिंग के बारे में, क्या इनसे ज्ञान हमें मिलता है और क्या ज्ञान हम अपने अंदर ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। संतोष भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने एडिटिंग ही क्यों चुना? एडिटिंग ही क्यों चुना? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था, हम गांव में रहते थे, फैमिली से लोग यहाँ पे थे, होता है ना, जो एडिटिंग और डायरेक्शन करते थे। तो मेन मुद्दा ये था कि यही नाम हमें पता होता क्या था, हमें आइडिया नहीं था। बट ये था एडिटर और डायरेक्टर, घर में कोई था तो होता था कि भाई ऐसा ही बनना है। अच्छा। तो हम आए ऐसे ही करने के लिए, चलो क्या है। फिर जब से पढ़ाई करना चालू किए और जब ख़त्म होना था तो यही था कि चलो यार एडिटर डायरेक्टर कुछ होता है तो हम चल के वही करेंगे, तो दूसरा कुछ और ड्रीम था ही नहीं। और जब यहाँ पे आए और फिर स्टार्ट किया तो फिर तो चलते गया। बट ये था कि ये करने के बाद लगा कि बहुत बेस्ट चीज़ हम कर रहे हैं, और मेकिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एडिटिंग। अगर आपको अच्छा डायरेक्टर या अच्छा मेकर बनना है तो एडिटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, जो चीज़ें बहुत सी चीज़ें चेंज कर देती है आपकी, होता है कहानी बोलना या कहानी कैसे बोल रहे हैं आप, जो स्क्रीन प्ले होता है, चीज़ें होता है, आप टेबल पे बहुत सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। एक अच्छा एडिटर बहुत अच्छी तरह फिल्म को एक अच्छा सेव दे सकता है, एक रिदम दे सकता है। तो एज ए अगर आपको कुछ फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविजन में कुछ करना है तो एडिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब ये सोच के नहीं आया था कि मुझे एडिटर बनना, बस ये नाम दिमाग में था कि या तो डायरेक्टर या एडिटर। मेन था, हमने यही जाना था कि जब बचपन में गांव में थे तब यही था कि भाई एडिटर डायरेक्टर बनना है। अब एडिटर डायरेक्शन है क्या कुछ पता नहीं था, कुछ सब कुछ ये था कि हाँ भाई टीवी पे नाम देते थे एडिटर डायरेक्टर भाई, हाँ तो हाँ कुछ तो है, हमें जाके वही करना है बस, तो ये करने आ गए जी। तो मतलब एज एडिटर कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे आया था 2000 में। तो इन 17-18 सालों में मतलब हम तो खैर जानते ही हैं आपको जी। मैंने भी आपके साथ शोज किए जी, मैंने तो आपके साथ एक शो किया था जिसमें आप प्रोड्यूसर भी थे। बिल्कुल, इनके साथ एक शो किया था, मैं उस शो का नाम लेना चाहूंगा, सास सरस्वती, भोजपुरी शो था लेकिन, और मुझे भोजपुरी बोलना नहीं आती थी लेकिन इनका कॉन्फिडेंस था कि दर्पण आप बोल लोगे, और मैंने मतलब अच्छी बोली थी भाई। इन्होंने बहुत अच्छा किया था। मतलब होता है ना कि एज ए मेकर हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट की क्या डिमांड होती है, और भाई तो मतलब जो किया था मेरे ख्याल से जो मदर इंडिया के लाला थे, अगर आप देखेंगे उनको भूल जाएंगे उस कैरेक्टर को लेके। चलिए तो एडिटिंग में आई थिंक आपने कितने शोज कर लिए अब तक? शोज तो ऊपर वाली बहुत कृपा रही, और जो शो करना चाहा वो मिल गया हमेशा। और मोस्टली जितने भी अच्छे शोज होता ना, तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, और कृपा है ऊपर वाले की कि आप इंडस्ट्री में 10-12 साल में जो टॉप शोज गिनेंगे, कहीं ना कहीं टॉप शो के साथ नाम हमारा जुड़ा है। नाम जैसे बालिका वधू, साथिया, ससुराल सिमर का, मिली, संजीवनी, संस्कृति, पहला शो था मेरा दूरदर्शन पे नूरजहां, तो रामायण हमने किया जो जी पे था, तो शोज तो द्वारिकाधीश, इमेजिन पे, स्वयंवर जितने भी बने हैं नॉन फिक्शन में सारे स्वयंवर, मतलब राखी का भी, जो राखी का स्वयंवर वो भी आपने, राखी का स्वयंवर, राहुल का सर, तो कृपा बहुत रही। जितनी शिद्दत से काम करना चाहे और जितनी मेहनत बिगनी में की थी उसका फल भगवान ने बहुत दिया, और आज जो भी हैं सब कुछ एडिटिंग का दिया हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मेहनत तो करना ही पड़ता है, विदाउट मेहनत तो आपको भाई मिलता, आप भी जो कर रहे हैं दिन रात लगे रहते हैं, हमारी इंडस्ट्री में दिन रात लगे बिना होता नहीं है, बिना कुछ तो विदाउट उसके नहीं। और उसके साथ आप जितनी शिद्दत से करेंगे, शिद्दत होना बहुत जरूरी है, ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है, तो
मतलब ये बहुत जरूरी है, मतलब मेरे हिसाब से आपने 500 से ऊपर तो शोज एडिट कर दिए होंगे। काउंटिंग वाइज बट बहुत शोज किए, मतलब एपिसोड वाइज कितना आपने एपिसोड कितने निकाले? एपिसोड वाइज तो मेरे ख्याल से 20,000-25,000 एडिट कर चुके हैं। और अब तो आपकी टीम है, मतलब अभी एडिट करना बीच में मैं बहुत कम कर दिया था। अभी मेरा एक शो है तू आशिकी कलर्स पे कर रहे हैं, तू वेरी गुड शो, देखते रहिए आप लोग, देखिए प्लीज देखिए प्लीज देखिए। उसमें आपका नाम एडिटर संतोष सिंह जी आता है जी, तो उन्हीं का शो है, संतोष भाई का शो है वो, प्लीज देखिए, बहुत अच्छा शो है, तो उसके साथ भी पब्लिसिटी कर दीजिए। अच्छा देखिए, आप शायद किस्मत वाले रहे होंगे कि आप मुंबई में आए और आपको एक राह मिल गई जी। जरूरी नहीं है कि सबको राह मिल जाए, बिल्कुल। हमारे देश में यूपी में, बिहार से और बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे टैलेंटेड बच्चे हैं, बिल्कुल जी, जिनको एडिट की भी समझ है जी, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो मतलब मुंबई में आए तो कैसे आए, क्या करें, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए मैं तो यही चाहूँगा, बिकॉज प्रैक्टिकली काम करना बहुत जरूरी है। आई नो कुछ स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे है, जिसकी फैसिलिटीज है, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते, क्यों होता है ना, जाके कर पाए। तो मेरे हिसाब से अगर प्रैक्टिकल ये है कि आप जाके जो एडिटर्स कर रहे हैं, जो टीम कर रही है, उनके साथ जुड़ें, होता है ना, और वहाँ पे आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करें, बिकॉज जो आप स्कूलिंग में वो एक टाइमिंग के साथ सिखाते हो, यहाँ पे जो है टोटली प्रैक्टिकल टोटल डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स है, ये वर्किंग आवर्स बहुत लोगों के बस की बात नहीं होती, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट हम मतलब हमारे पे हमने जब स्टार्ट किया था, हम 6 दिन में, मतलब हफ्ते में एक दिन घर जाते थे, वो बैग लेके आते थे घर से और कपड़े ट्रैक टी शर्ट रख लेते थे और आके बैठे हैं, एडिट करते थे, और जिस दिन टेलीकास्ट होता था, वीकली चलता था संजीवनी मेरा, तो हम आते थे और वेनेसडे को सुबह जाते थे और फिर रात में फिर आ जाते थे, फिर नेक्स्ट वेनेसडे सुबह जाते थे, मतलब इतनी मेहनत करी। हाँ, और फिर बुखार होता था तो वहीं ख़त्म हो जाता था, क्रोसिन खा के स्टूडियो के अंदर बुखार हो गया, ट्रीटमेंट कर रहा है, मतलब सारा ट्रीटमेंट एडिटिंग ही था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है या कोई कुछ करना चाहता है तो वो आए, जरूरी नहीं कि वो इंस्टीट्यूट में जाए, उसको प्रैक्टिकल किसी के पास, किसी एडिटर के नीचे ही काम अगर वो सीखता है ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बेटर होगा। बिकॉज क्या होगा, देखिए आप कहीं पर सीख के भी आ रहे हैं तो आपको आप एक वहाँ से सीख के आते, एक नॉर्मली कुछ मटेरियल होता है जो आपको क्लासेस में सिखाएंगे, बता देंगे ये है, बेसिक्स है, बट एक्चुअली आप यहाँ के रह के यहाँ की आप ढल पाओगे, मशीन पे बैठेंगे आप, प्रॉपर एफसीबी मशीन पे जो शो जो आप करेंगे, वो जो टेलीकास्ट होता हुआ शो या कोई फिल्म है जो टेलीकास्ट होनी है, यहाँ पे कोई बैंकिंग नहीं है कि एपिसोड के 10 एपिसोड बैंक्स हैं, तो आपको वो जो प्रेशर हो पता चलेगा कि होता है ना कि यार आज बैठे हैं 24 घंटे में एपिसोड निकल रहा है, शूट हो के यार कभी कभी 8 घंटे में एपिसोड निकालने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो प्रेशर अलग ही है, वहाँ से आके आप देखने में आपको लगेगा कि हम क्या करें, बट यहाँ पे करते रहेंगे तो 6 महीना साल भर में यू नो द प्रोसेस कि भैया क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, बेटर होगा मेरे हिसाब से जो भी करना चाहता है। तो ये नहीं कि मैं किसी इंस्टीट्यूट उसके लिए वो कर रहा हूँ, बेटर है कि प्रैक्टिकली अगर आपको मिल पाए, प्रैक्टिकल किसी एडिटर्स के साथ जुड़ पाए, होता ना, उसके साथ असिस्ट कर पाए, इज बेटर फॉर आपके लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा कि सीखने के लिए अच्छा होगा। नहीं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आता है तो उसको क्या पता कि वही वो कोई एडिटर उसको रख लेगा, ये तो मेरे हिसाब से उनकी शिद्दत है, बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी शिद्दत है कि अगर कोई बच्चा आता है तो देखिए कोई भी चीज तस्तरी में नहीं मिलती है, कोई भी चीज आपको हाथ में ला के नहीं दे दी जाएगी। करेक्ट, आप जब मुंबई आएंगे आप स्ट्रगल करेंगे, जब आप मुंबई इंडस्ट्री में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा फला फला इंसान फला फला काम करता है, आप वहां तक पहुंचने के रास्ते बनाए, हो सकता है रास्ता आपका संतोष जी तक ही पहुंच जाए, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अगर इनको लगता है कि भाई उसमें दमखम होगा तो ऑफकोर्स आप उसको सपोर्ट करें। देखिए दमखम आ जाता है, आप में बहुत ऑनेस्टी होनी चाहिए कि मुझे करना है, मुझे कुछ बनना है, और दिलो जान देना होता ना, और कोई सोच के नहीं कि मुझे कि हाँ पैसे कमा के कर लेना ये करना, जो बेसिक होता है, बट अगर वो रहे कि मुझे कुछ आके यहीं से कुछ करके एक नाम बनाना है, जहाँ आपने सोच लिया कि मुझे अपना इसी में एक फ्यूचर करना है और मैं टॉप लेवल पे जाऊँ, बिकॉज हमेशा आदमी वही तरक्की करता है जो टॉप देखे, होता है ना कि मुझे नंबर 1 नंबर 2 बनना है यहाँ पे आके, होता है ना, मैं इनके, और ये मैं नहीं सोचता कि कोई गलत है किसी के बारे में, इनके बराबर बन पाऊँ, कोई खराबी नहीं है, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत करिए, वो चीज़ें करिए, मिलेगी कि नहीं, बिकॉज आप देखिए हर चीज़ के लिए एक एक जैसे आपने बोला कोई तस्करी में तो आके मिलेगी नहीं चीज़ें, आपको कोशिश तो करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश करने पड़े, ऐसे बहुत लोग हैं, हम सब हैं, मैं तो पहले यही करता था, मैं कोई भी असिस्टेंट
मैं सबको पहले सिखाता था अपने पास, उसको ही मैंने ट्रेन किया, गांव से मेरे मतलब रिश्तेदारों से, यहाँ से जितने भी मिले हैं सबको। मेरे पास एक टाइम 150-200 असिस्टेंट थे मेरे पास, 150-200 असिस्टेंट, तो सारे सोच चलते थे 10-12-15 तो हर जगह पे नॉन फिक्शन। तो मैक्सिमम मैंने ट्राई किया कि ये है, बहुत लोग कभी मिल जाते पांव छू लेते बोलते क्या तो सर आप क्या सीखे, मुझे पता ही नहीं किसी एक शो में सीख के क्या है। तो ठीक है, बट वो कृपा रही भगवान की, अपने मेंटर की, बहुत अच्छे लोग मुझे मिले, मैं खुश नसीब था, होता ना जितनी मेहनत की उतना मुझे उससे दुगना फल मिला। नहीं सर जी, मैं इस बात के लिए कहूंगा कि खुश नसीब होना तो है ही आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप में वो शिद्दत दिखी होगी, अगर किसी ने आपके साथ या किसी ने आपका साथ दिया है तो वो आपकी शिद्दत को देखते हुए, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मेहनत को देखते वो आपका हाथ पकड़ते। देखिए मेन वही है कि आप किसी की शक्ल देख के तो आप उसको रिस्पेक्ट और प्यार नहीं देते हैं, आपका टैलेंट यहाँ पे आपका टैलेंट देख के दिया जाता है, तो आप क्या हैं, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुद्दा है कि एंड ऑफ द डे आपका काम कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, कितना एक्सपेक्टेशन लोगों का है आपसे और उससे आप कितना ज़्यादा दे पा रहे हैं, तो उसमें सारे हर वो हर फील्ड की बात है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और बेस्ट जो चाहिए आपको, मतलब होता है ना स्क्रिप्ट, सपोज हम एडिट कर रहे हैं हमारे, हम जस्टिफाई कर रहे हैं एडिटिंग टेबल पर अपने स्क्रिप्ट, जो अगर मेरी स्टोरी ये है, सीन ये है, तो सीन उस लेवल पे आ रहा है, कभी कभी एडिट में सीन उस लेवल से चार गुना ज्यादा अच्छा बन सकता है, डायरेक्टर का सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब टीम के जरिए कि यार हमने शूट कुछ किया, बंदे ने कुछ क्लासी बना दिया, मतलब ये है आप पे कि मतलब आप जितना अच्छा उसको और सोच सके, कर सके, द बेस्ट बना सके, बिल्कुल क्रिएटिव वर्क है। अगर कोई एक सीन डायरेक्टर ने शूट कर दिया और वो चाहता है कि नहीं भाई इसको एडिटिंग में संभाल लो, तो अगर अच्छा एडिटर होगा वो उसको संभाल सकता है, बिल्कुल, और 100% संभाल सकता है, बिकॉज आप अगर अच्छे तभी होते हैं, बिकॉज ना आपको फुटेज मिल गया, फुटेज को एक तो आपका सीन क्या बोल रहे हैं, कि आप क्या कहानी बोलना चाह रहे हैं, सीन से क्या आपका होता है ना मुद्दा क्या निकल रहा है, रिएक्शंस के मतलब क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप अगर प्रॉपर उसको फ्लो देते हैं, चीज़ें देते हैं एक अच्छे रिदम में उसको बनाते हैं और एपिसोड को बनाते हैं जो भी है, तो डेफिनेटली निकल के आएंगे चीज़ें, कोई इशू नहीं। इसमें कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, मतलब बेसिकली क्या मतलब अगर कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उनको समझ है, तो देखिए मेन क्या हम भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम तो मैं तो 12th पास करके आ गया था, तो यहाँ पे तो गांव से आजमगढ़ से आया हूँ मैं यूपी के। अच्छा आजमगढ़ से, तो हम तो ऐसे ही आ गए थे, बट ये था करना है, बट बहुत प्यार से बहुत शिद्दत से। एक तो क्या होगा मेरे हिसाब से, मैं जो प्रैक्टिकली करता हूँ, मैं जब कोई सीन एडिट करता था या करता हूँ तो मैं उसमें खुद ही घुस जाता हूँ, मतलब मेरे को लगता है मैं कैसे रिएक्ट करूंगा उस चीज़ को, मैं कैसे करूंगा। मेरा पहले ये था कि जितने भी शोज करता था मुझे हर अपनी हीरोइन से प्यार हो जाता था, बिकॉज जनरली जब तक आप उससे कैरेक्टर से प्यार हो जाना होता ना, ये जब तक वो करेंगे नहीं आप निकल के नहीं आएंगे। मैं अपना पॉइंट आई डोंट नो, मैं कोई पढ़ के और वो नहीं बोल रहा, मेरा पॉइंट है कि मैं उसी चीज़ को चाहे वो मैं कोई सीन एडिट कर रहा हूँ, जब तक उसमें अंदर घुसोगे नहीं आप, वो फीलिंग नहीं आएगी और उस सीन में क्या बोलना है, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्शन आपको फील करना पड़ेगा तभी वो निकल के आएगा, और जो रिदम निकल के आता है उसको मजे है। मैं और मेरा आदत हमेशा से थी, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे लिए बहुत काम आई, मैं हमेशा म्यूजिक पे एडिट करता हूँ, तो मैं विदाउट म्यूजिक एडिट ही नहीं करता, पहले मैं म्यूजिक ट्रैक ढूंढता, सीन पढ़ता हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, पहले म्यूजिक में ढूंढता हूँ, उस म्यूजिक पे एडिट करता हूँ, और मेरा हमेशा रहता। तो एक्चुअली लोग बोलते हैं कि ये पैटर्न इंडस्ट्री में भगवान ने मेरे थ्रू ही निकाला है, और मुझे मेरे बड़े अच्छे डायरेक्टर जो मेरा हमेशा मुझे मतलब आशीर्वाद मिला है, कौशिक घटक जी, उन्होंने बताया था एक दिन कि संतोष एक बुक में लिखा हुआ है कि आपको होता ना कि म्यूजिक के साथ ही एडिट करना चाहिए जिससे आपको पूरा रिदम मिलता है, तो ये पैटर्न मुझे लाइफ में बहुत सपोर्ट किया। और तो मेरा यही था कि स्क्रिप्ट पढ़ो भैया, पहले सीन के हिसाब से म्यूजिक ढूंढता था मैं, इतने सारे म्यूजिक बैग लेके चलता था कि ये है, तो वो बहुत काम आया जी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा पढ़े लिखे अगर नहीं है, आप 12th पास भी हैं तो भी आप इस इंडस्ट्री में आके प्रैक्टिकल करके किसी के अंडर काम करके सीख सकते हैं। यस यस बिल्कुल बिल्कुल, अपने भविष्य को बना सकते हैं। हाँ बट लेकिन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, बहुत और सपोर्ट मिलेगा आपको, किस तरीके से लोगों से बात करना है, कैसे करना है, क्या चीजें हैं, वो है हमारी थोड़ी मनी मजबूरी रही होगी तो थी जो, बट ये सबकी मजबूरी नहीं होती है, तो जितना हो सके पढ़ाई करें, पढ़ाई हमेशा काम आती है जी, हमारी था कि भाई हमें जरूरी था काम करना उस वक्त, हाँ तो जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है। तो जो इनके इंस्टीट्यूट हैं वो मतलब काफी फीस होती है उनकी, ऐसा कुछ है क्या आपको कुछ आइडिया? एक्चुअली मुझे ज्यादा आइडिया नहीं इंस्टीट्यूट के बारे में क्या है कितना, बट डेफिनेटली अगर आप
कोई भी स्कूलिंग अच्छी जगह जाके कर रहे हैं तो फी तो होगा ही उसका, एक होगा अच्छा, तो मैंने किया बोला नहीं कि मुझे पैसे चाहिए सिखाता हूँ। अच्छा सवाल है, मान लो कोई कोई बच्चा आता है और वो टैलेंटेड है जी, आपको लगता है यार ये दो आपने चार दिन उसको परखा, चौथे दिन में आपको लगा यार ये लड़का बहुत मेरे काम आने वाला है, ये सीख जाएगा जी, तो उसको कुछ मिलेगा या वो फ्री, मतलब क्या फंडा क्या है? देखिए प्रैक्टिकली क्या है कि एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि आप आते हैं और आप अगर सोचिए कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो तुरंत अब जाके एक फ़ी देंगे, फिर 3 महीने 6 महीने या 1 साल जब जो भी आपका प्रोसेस होगा, जो भी कोर्स होगा वो करेंगे फिर आप आएंगे। यहाँ पे क्या आपको वहाँ पे करके आना, यहाँ पे आपको अगर मिल जाता है तो आपको पेमेंट बिगनिंग में नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल अगर आप सीख गए आपके एडिटर को लगता नहीं यार बंदे में दम है, आपको फिर असिस्टेंट रख गया, एक शो में 4-5 असिस्टेंट एसोसिएट्स मिला के होते हैं टीम में, तो एक टाइम के बाद पैसा मिलना चालू होता है। बट आप उसके लिए आप पकड़ के चलिए कि आप में कितना खूबी, आप 6 महीने में सीख के ट्रेंड हो जाते हैं यार मैं ग्रैब कर लेता हूँ, मैं लाइनअप कर लेता हूँ, मैं चीज़ें कर लेता हूँ, और आपकी सिंसिरिटी आपके सीनियर को कितना दिखती है, तो आपका पैसा 6 महीने में चालू हो सकता है और शायद 1 साल बाद भी चालू हो सकता है। कोई कोई है हम 3 महीने में हमने सैलरी स्टार्ट कर दी थी, तो डिपेंड करता है कि आप कितनी सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं। अगर कोई सिंसियरिटी के साथ है बच्चा और आपको लगता है कि 3-4 महीने में वो इतना सीख गया है कि भाई कुछ काम कर सकता है, तो कितना नॉर्मल उसको मिल जाएगा? डिपेंड, देखिए आज के टाइम में आपको 10-12-15 हज़ार तो इजीली स्टार्टअप हो ही जाता है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, आप 40-50 भी, मतलब मनी वाइज नो इशू, आप अब जितना अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, अगर मतलब एक एडिटर है वो बन गया, उसने एडिट करना शुरू कर दिया, तो कितना मिल जाता है उसको नॉर्मली? मैं डिपेंड ऑफ द एडिटर, देखिए आज के टाइम में हमारी इंडिया कोई बेस रेट नहीं है कि मतलब एडिटर को इतना ही मिलेगा इतने मिलेगा, बट अगर अच्छे एडिटर काम कर रहे हैं तो 14-15 हज़ार पर एपिसोड भी लेते हैं। अच्छा। तो अगर आप पकड़ लीजिए महीने का 3-4 लाख रुपए आपको बिल कर सकते हैं, कुछ एडिटर्स 2-2.5 लाख में भी काम कर लेते हैं वो टीम को बाद महीने का, तो डिपेंड कि आप कैसे कर रहे हैं, आप कैसे डील कर रहे हैं, आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो पैसे का आप अच्छा काम, एक ही चीज़ है कि आप उस पैसे सोच के मत काम करिए, आप अच्छा काम करेंगे तो हम सब एग्जाम्पल हैं, एक छोटे से शहर से छोटे से गाँव से आके यहाँ पर इतना कुछ करने के लिए मौका मिला, तो पैसा पहले सोच के मत काम करिए, पहले आप ये कीजिए कि आप सिंसियरिटी से अपना अपने आप को एक नाम बनाइए, लोग आपसे काम करना चाहें, आपसे काम करवाना चाहें, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, उसके बाद पैसा तो भगवान आ ही जाता है, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। अगर आप कहीं सीखने जा रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि आपको पैसे मिलेंगे तुरंत, आप ये सिंसियरिटी से 2-3-4-6 महीने सीखिए, करिए अच्छा काम, करिए 3-4 महीने के बाद उसको 15-20 हज़ार महीना मिलना शुरू हो जाएगा, 10-15 हज़ार से आपका नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है, 10-12 हज़ार तो हो ही जाता है इजीली, इसमें कोई इशू नहीं। ओके, तो मतलब 10-15 हज़ार रुपये महीना उसको मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर वो एडिटर बन गया तो उसको फिर 2-3-4 लाख रुपये, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट मेहनत बहुत है, मतलब आपको डे नाइट यहाँ देना पड़ेगा, आप सारा लाइफ भूल जाना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें भूल जानी पड़ेगी, आप सुबह आओ और जाने का कोई टाइम नहीं है यहाँ पे, तो आप मतलब अगर एक शो में है तो मेरे एडिटर्स टीम्स हैं जो एक एक हफ्ते घर नहीं जाती है बेचारे, करते रहते हैं, हम ले थोड़ा सा बन गया है तो हम जाके रात में, लेकिन आपने भी उस टाइम पे काम किया, अपने टाइम पे हमने बहुत काम किया, बहुत उसका ही मिला है, ईमानदारी से नहीं करते तो यहाँ शायद नहीं होते, तो वो ऑनेस्टी तो बहुत जरूरी भाई है। आपने भी इतना साल इंडस्ट्री में 30-40 साल तो आपने भी डाल, 30-32 मल्टी टैलेंटेड आदमी, इनसे पूछिए तो आपको हर जगह काम तो करना ही पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एडिटर बनना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल भी आके किसी एडिटर के पास आप सीख सकते हैं, आप पहले अपना समय दें, जज्बा कायम करें, कुछ बनने का सोचें, भूल जाए बाकी चीजें, सिर्फ एक ही चीज को फोकस करें कि मुझे ये करना है, मुझे करना है, मुझे क्रैक करना है। करेक्ट, इनिशियली आपको कुछ नहीं मिलेगा, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपके पैसे बढ़ते जाएंगे, एक असिस्टेंट के तौर पर 15-20 हज़ार रुपये महीना आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप एडिटर बनते हैं फिर पैसों की कोई टेंशन नहीं, लाख तो नॉर्मल चीज है। थोड़ा खाली पैसा सोच के मत काम करो, आप करो पैसा आपके पीछे आता है। हाँ। और बहुत लोग एग्जांपल हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसे ही काम का, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में ऐसे ही आते हैं कि भैया कुछ नहीं है, और आज सबके पास भगवान की मतलब ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप
जज्बा है तो आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर आपको जज्बा है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये इंडस्ट्री बहुत देती है, बहुत देती है। टैलेंट है तो इंडस्ट्री बहुत देगी। अगर टैलेंट नहीं है और सोच रहे हो कि मैं आ जाऊं, मैं कुछ कर लूं, पैसा कमा लूं, तो मुश्किल होगा। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी का देख के नहीं ये कर रहे हैं, बट उनके पीछे की मेहनत बहुत होती है। हमारे बच्चों में यही परेशानी है, उन्होंने कर लिया हम भी कर लेंगे, वो बन गया तो मैं भी बन जाऊंगा, वो शाहरुख खान है तो मैं भी शाहरुख खान बन जाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। उसकी उसकी मेहनत देखो, उसकी लगन देखो, इतना आसान नहीं होता किसी चीज को पाना। राइट, उसके लिए आपको बहुत जज्बा रखना पड़ता है। तो ये थे संतोष भाई, मतलब आई होप कि आपको इनकी बातें समझ में आई होंगी। संतोष भाई कुछ अलग से कहना चाहें अगर परिवार को, फिल्मी फिल्मोनिया को कुछ अलग? एक तो मेन क्या है, बहुत अच्छा आइडिया भाई, मतलब मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। जैसा इसलिए मैं रेडी हुआ कि चलो कुछ अगर हम बता पाए या किसी की हेल्प कर पाए, वी आर देयर, हम हैं यहाँ से। फिल्मोनिया के जरिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी को अगर सपोर्ट चाहिए तो वी आर देयर। मतलब अगर इस लेवल पे यह था किसी को एडिट सीखना है, चीज़ें करनी है, तो हम अपनी तरफ से ट्राई डेफिनेटली करेंगे। वेरी गुड। और ये जो आपका आइडिया इज़ वेरी गुड कि आप सारे क्राफ्ट के लोगों से जो है ना, एक हॉर्सेज माउथ जो कर रहे हैं, जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, और उनके थ्रू जानना, उनके काम के बारे में जानना, मतलब उनका ज्ञान लेना, ज्ञान लेना बेटर होता है कि आदमी कहीं इसे पढ़े और वो करे। तो इट्स वेरी गुड आइडिया, तो मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। और आपका शो वर्क करता रहे। नहीं करेगा सर, ये परिवार के जो लोग हैं वो बहुत प्यारे हैं और ये जानना चाहते हैं। एक्चुअली हिंदुस्तान के बच्चों को इंडस्ट्री के बारे में मालूम ही नहीं है, सिर्फ वो सुनते हैं, देखते हैं और अपना कुछ सपना ले लेते हैं और कूद पड़ते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं और वापस उनको वापस जाना पड़ता है। तो मेरा ये फिल्मी फिल्मोनिया ये है कि भाई आप भटके नहीं, आप सही रास्ते पर जाएं। बिल्कुल। जज्बा काम करने का है तो आए। संतोष सिंह साहब या दर्पण या एक्सवाइजेड, कोई भी, चाहे वो अंगीरा जी हो, कोई भी हो, जिनके पास जो ज्ञान है उसको समझें, उसको सोख लें अपने जिंदगी, अपने जीवन में लाएं। करेक्ट। और अच्छा काम करें। करेक्ट। हम बोलते हैं ना, एसएससी का सर्टिफिकेट लेने के लिए हमको 10-12 साल मेहनत करनी पड़ती है, तो सर्टिफिकेट आता है अपने हाथ में, फिर आप आगे बढ़ते हो। तो मुद्दा है कि लाइफ है, कोई चीज़ इजीली नहीं मिल जाएगी, तो कभी सोच के आना ही नहीं चाहिए कि इजीली मिल जाएगी। आपको आना है, आपको मेहनत करनी है, बड़ी शिद्दत से काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा। बिल्कुल। जब आप अपने आप को झोंकेंगे किसी भी काम में, मैंने बोला खाली एडिट हो, डायरेक्शन हो, या इंडस्ट्री में हो, या फिर कोई भी लाइन हो, जब तक आप अपने आप को नहीं झोंकेंगे तो नहीं मिलेगा। बट ये गारंटेड, अगर आप झोंकेंगे तो मिलेगा जरूर भैया, वो 110% है उसमें। बेफिक्र हर इंसान में काबिलियत है, क्यों कर सकता है। और तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपका मेल आईडी जी, मैं इस जो आपने ज्ञान दिया है मैं नीचे डालूंगा। कुछ हो सकता है कुछ बच्चों के पास वो एक अलग सा टैलेंट हो। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो अगर आपको मेल करते हैं, अगर उसमें वो अपना थोड़ा काम दिखाते हैं, अगर आपको लगता है यार इस लड़के में दम है जी, तो प्लीज आप, क्योंकि मैं डेफिनेटली मैं इस बात को मानता हूँ ये सपोर्ट करते हैं, इन्होंने 150-200 बच्चों को एडिटर, बतौर एडिटर काम दिलवा दिया है और बने हैं, इनके इनके ज्ञान से वो आगे बढ़े हैं। तो आप में से कोई बच्चा हो तो प्लीज इनका मेल आईडी मैं दूंगा, आप इनको मेल करें, इनका काम देखें, अपना काम इनको दिखाएं, अगर कोई बात बनती है तो भैया आपके लिए अच्छा होगा। जी जी बिल्कुल। आपके लाइफ में अगर कहीं हम जरिया बनने लायक हैं तो हम जरूर बनेंगे, तो इससे बात नहीं हो सकती। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। संतोष भाई को बहुत बहुत शुक्रिया फिल्मी फिल्मोनिया परिवार की तरफ से, और फिर मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे के साथ, नए वीडियो में फिर बातें होंगी किसी नए गुणी इंसान के साथ, उसके ज्ञान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू जी। तो दोस्तों ये थे संतोष सिंह साहब, जिन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे। आई होप कि आपको इनकी बातें समझ में आई होंगी, इनका ज्ञान जो भी था वो मैंने सेम का सेम उठा के आपके सामने रख दिया। जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। अगर आपको किसी एडिटर के पास सीखना है तो बता दिया कि आप किसी एडिटर के पास जाएं, अपना हुनर उसको दिखाएं, अगर वो आपको रख लेता है तो आपकी शुरुआत हो जाएगी। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनका मैं एड्रेस दे दूंगा, नंबर दे दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ पे संपर्क करें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी स्कूल से, इंस्टीट्यूट से सीखना है तो आप वहाँ बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे पे, नए तरीके से, नई सोच के साथ। तब तक के लिए
लव यू ऑल। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वो छोटी सी घंटी है उसे टर्न करके दबा दीजिए। मेरा हौसला बढ़ाइए, मैं आपके साथ ताउम्र चलने के लिए हमेशा तैयार हूँ।